आज हम आपको रिव्यू करके बता रहे हैं अमेरिकन ट्रूस्टर के किड्स ट्रॉली बैग का। इसका नाम है अमेरिकन ट्रूस्टर स्कीटल NXT। ये देखिए आप इसका डिज़ाइन, हम आपको इसका पूरा रिव्यू करके बताते हैं। पहले आप इसका डिज़ाइन देखिए। ये अब ये जो है ना, ये किड्स ट्रॉली बैग में एक नया कॉन्सेप्ट है जो अमेरिकन ट्रूस्टर लेके आया है। जनरली आपने जो ट्रॉली बैग देखे होंगे किड्स के, वो इस टाइप के होते हैं। ऊपर हैंडल होता है, साइड में हैंडल होता है, चलाने के लिए रॉड होती है, नीचे फोर व्हील होते हैं, 360 डिग्री चलते हैं और ऊपर बच्चों की प्रिंट होती है, तो हम इसको किड्स ट्रॉली बैग कहते हैं। पर यहाँ पर अमेरिकन ट्रूस्टर ने एक नया कॉन्सेप्ट लिया है, बिल्कुल इसको रिवॉल्यूशन कर दिया एक टाइप का, आप यूँ समझ लीजिए। मतलब इस पर आपको ना हैंडल मिलेंगे ऊपर के उठाने के लिए, ना आपको इसमें ट्रॉली मिलेगी चलाने के लिए, फिर भी ये चलता भी है, उसमें कपड़े रखने की स्पेस भी और आपको उठा भी सकते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है अमेरिकन ट्रूस्टर के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, इसके ऊपर बच्चे इसको बैठ के चलाते हैं। इसमें तो क्या होता था, बच्चे इसको हैंडल से चलाते थे, इसके आगे बच्चे खुद चलते थे और इसके साथ या फिर चलते थे इसको चलाते थे। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ऊपर जो है, ये जगह आपको दिख रही है बच्चों के बैठने के लिए है, इसको बच्चे इसको बैठ कर चला सकते हैं। यहाँ पर जो दो आपको ये डोरी दिख रही है, ये हैंडल्स हैं एक टाइप के, ये पकड़ने के लिए होते हैं, जिससे बच्चे इसको हाथ से पकड़ लें और फिर पाँव से ये चलता है। पाँव से बच्चे इसको धक्का देंगे और नीचे जो फोर व्हील्स इसमें लगे हुए होते हैं, चारों तरफ इसमें पहिए लगे हुए हैं, ये फॉरवर्ड मूव करते हैं या बैकवर्ड मूव करते हैं। ये 360 डिग्री नहीं मूव होते हैं कि जैसे अपने लगेज में होता है 360 डिग्री, किधर भी अपन इसको मूव कर सकते हैं, ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव होते हैं। पर आप किधर भी बच्चे अपने हिसाब से उनको पाँव से टर्न ले ही सकते हैं। ये जैसे बच्चे 3 to 5 years की एज में जो साइकिल यूज़ करते हैं, उस टाइप का ये साइकिल विथ बैग है। इसमें आप बच्चे उनमें कपड़े भी रख सकते हैं। हम आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके प्रिंट के बारे में बताते हैं। ये जो बना हुआ है एक्चुअली पूरा पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल का बना हुआ है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी इससे काफ़ी अच्छी हो जाती है। मटेरियल काफ़ी स्मूथ इसमें यूज़ करा हुआ, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग वाला मटेरियल है ये। कलर कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको अमेरिकन ट्रूस्टर की पूरी प्रॉपर बैजिंग मिल जाती है। ये देखिए आप, ये रबर प्रिंट आता है इसमें। ये मटेरियल प्रिंट नहीं है, ये एक्चुअल रबर प्रिंट है जो ऊपर से प्रिंट करा हुआ है। उसका आपको फ्रंट व्यू दिखाते हैं हम, ये सामने से कैसा दिखता है। तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के हिसाब से पूरा ये पैटर्न दे रखा है। यहाँ पर देखिए आपको आईज दिखेगी प्रिंट करी हुई। अब ये जो है, ये स्टिकर प्रिंट है, ये रबर प्रिंट भी नहीं है, ये स्टिकर प्रिंट है। मतलब स्टिकर कंपनी ने इसमें ऊपर से यहाँ पर लगा रखे हैं, इससे इसका व्यू बहुत अच्छा आता है, लुक्स इसके बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इस तरफ भी इसमें सेम टू सेम ऐसा ही इसमें लुक दिया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन मैचिंग इसमें बहुत अच्छा करा हुआ है। जैसे आपको यहाँ पर्पल कलर मिलेगा, तो व्हील्स के जो पार्ट्स हैं, जहाँ पर व्हील्स फिट है, ये भी पूरा पर्पल कलर का है। यहाँ पर जो रिप दे रखी है ये इसके लॉकिंग की, ये भी पर्पल कलर की दे रखी है। तो लुक्स इसके बहुत अच्छे दे रखे हैं। इवन जो है हैंडल्स के जो पार्ट हैं, ये लॉक्स के जो पार्ट है, सॉरी, ये लॉक्स जो है और ये जो हुक्स हैं जहाँ पर आपका बेल्ट लगेगा शोल्डर पर कैरी करने के लिए, ये भी पर्पल कलर का दे रखा है। तो कलर कॉम्बिनेशन, कलर मैचिंग इसमें बहुत अच्छी करी हुई है, बहुत इसमें डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा खासा ध्यान रखा हुआ है। इसका लुक भी एक साइकिल की तरीके से दे रखा है। 3 से 5 साल के बच्चे इसको इजीली इस पर बैठ कर इसको चला सकते हैं अपने पाँव से, जैसे प्लेटफॉर्म पे कभी जा रहे हैं या घर पे भी कभी वो यूज़ करते हैं। जैसे ये जो बैग होते हैं, आप कभी ट्रेवल में ले गए इसको बच्चे तो ही यूज़ कर सकते हैं, वहीं ये चला सकते हैं। बाकी ये जो बैग है, अगर ये बैग खाली भी कभी पड़ा आपके घर में, तो भी साइकिल के जैसे इसको बच्चे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बच्चों के चलाने में काम आता है। वह आपको इसके अंदर से स्पेस बता देते हैं, अंदर से इसका स्पेस कैसा है और इसमें लॉकिंग सिस्टम कैसा है, इसकी लॉक्स कैसे हैं। तो इसमें चेन नहीं आती है, जनरली हमने जैसा देखते हैं चेन्स आती है, चेन से वो लॉक होते हैं। इसमें चेन सिस्टम नहीं दे रखा, इसमें लॉकिंग सिस्टम है। ये एक लॉक जो है ये साथ में आता है इसको प्रॉपर फिट करने के लिए, ये उधर, ये देखिए इस टाइप का इसमें लॉक्स आते हैं। ये देखिए ये पूरा लॉक से ओपन होता है, इसमें आपको जिप सिस्टम नहीं मिलेगा, ये पूरा लॉक मिलेगा। यहाँ पर इसे दो लॉक आते हैं, एक इस तरफ और एक आएगा इस तरफ, इनके थ्रू ये पूरा ओपन होता है। अब आपको इसके अंदर का स्पेस दिखाते हैं। स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा खासा, मतलब दे रखा है इसके साइज़ के हिसाब से स्पेशियस है ये काफ़ी। ये देखिए आप, 50-50 पूरा डिवाइड हो जाता है। अब इसमें इतना स्पेस है, मतलब आप ये समझ सकते हैं 4 से 5 जोड़ी आप एक बच्चों के कपड़े इजीली रख सकते हैं 2 दिन के ट्रिप के हिसाब से। अब इसमें बच्चों के कपड़े रख सकते हैं। जो आप व्हील्स की फिटिंग देखेंगे, काफ़ी अच्छी स्क्रू के द्वारा ये फिट करे हुए हैं। व्हील की फिटिंग बिल्ड क्वालिटी से काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको दी हुई है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये बेल्ट आता है, जैसे कभी आपको कम कपड़े इसमें आप रखें तो सिस्टमेटिक कपड़े, मतलब बिखरे नहीं, जमे हुए रहें, उस तरह से ये बेल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। जो नॉर्मली लगेज में आता है उस टाइप का ये बेल्ट है।
आपको बाहर से इसका ऑफिस लुक दिखाते हैं, आपने स्पेस देख ही लिया होगा। अब ये इनके लॉक से इतना अच्छा फिट हो जाता है, मतलब इसमें पानी भी नहीं जाएगा एक बार में, तो अगर आप इसको बारिश में भी यूज़ करते हैं तो इसमें पानी भी नहीं जाएगा, क्योंकि पानी जिप के थ्रू अंदर जाता है, पर जब ये लॉकिंग सिस्टम ये वाला आ जाता है जो इसमें रिप लगी हुई होती है, लॉक्स लगे हुए होते हैं, तो एकदम से इसमें पानी भी अंदर नहीं जाता है। अब इसका मेन जो यूज़ है, अगर इसको बच्चे कभी बैठ के नहीं चलाएं और आपको प्लेटफॉर्म पे या कहीं एयरपोर्ट पे इसको चलाना है या स्टेयर्स पे सीढ़ियों पे आप इसको कैरी करना है, तो कैरी करने के लिए इसमें क्या दिया हुआ है कंपनी ने अच्छा खासा ध्यान रख के, बेल्ट दिया हुआ है। ये बेल्ट को आप दोनों तरफ लगाएंगे, जैसे इसमें हुक दिए हुए होते हैं, यहाँ पर हुक दिया हुआ है और एक हुक इस तरफ आएगा। अब इसको शोल्डर पर भी कैरी कर सकते हैं, ये जो बैग्स होते हैं आपने इनको कभी शोल्डर पर कैरी करते हुए नहीं देखा होगा, आप इस वाले बैग को बच्चे भी शोल्डर पर कैरी कर सकते हैं खुद, अगर वो उठाना चाहें या कभी आपको उठाना हो तो आप भी इसके बेल्ट की लेंथ को फुल करके, लेंथ की फुल करके बताएं इसकी, तो आप इसको शोल्डर पर भी इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ये इजी टू कैरी है, कंपनी ने डिज़ाइनिंग के साथ साथ इसको यूज़ करने में जो कन्वीनियंट बनी रहे उसका भी अच्छा खासा ध्यान दिया है। आप इसको शोल्डर पर भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब शोल्डर पे यूज़ करने के साथ इस बेल्ट का एक यूज़ और भी है, हम आपको वो बताते हैं। देखिए आप इस टाइप से आप इसको शोल्डर पर कैरी कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे कभी बच्चा अगर इसको नहीं चला रहा है और आपको इस बैग को चलाना है तो उसके लिए बेल्ट यूज़ इस तरीके से आता है, दोनों हुक यहीं पर लगा दें, ये इस तरीके से इसको पुल करने के भी काम आता है ये बेल्ट। जैसे कभी आपको प्लेटफॉर्म पे या रोड पर या एयरपोर्ट पर कभी चलाना हो लॉन्ग रन में और बच्चे को इसके ऊपर बैठ कर नहीं चलाना है तो आप इस तरीके से इसको पुल भी कर सकते हैं इस बेल्ट के द्वारा। तो इसमें फंक्शन सब ट्रॉली बैग जैसे ही दिए हुए हैं, बस कॉन्सेप्ट कंपनी ने बिल्कुल इसमें चेंज कर दिया है। ये आप जैसे बच्चे को एक साइकिल खरीद के देते हैं जब वो 3 या 4 साल का होता है, जो पाँव से बच्चा चलाता है, तो ये उसी तरह कॉन्सेप्ट है। आप ये बैग का बैग भी यूज़ हो जाता है इसमें और वो साइकिल के जैसे भी इसको यूज़ कर सकता है। वो आपको इसके व्हील्स के बारे में बताते हैं, इसकी व्हील्स की जो क्वालिटी है, व्हील्स का साइज़ पहले आप देखिए, व्हील्स ये बहुत बड़े बड़े व्हील्स हैं, ये जो है ना काफ़ी अच्छे बड़े व्हील्स इसमें दे रखे हैं और व्हील्स की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखिए आप अंदर से इसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी अच्छा, मतलब इजीली ये ब्रेक नहीं हो सकते हैं, बच्चे अगर से बैठेंगे बिना तो ये ब्रेक नहीं होंगे, ये लोड आराम से बियर कर सकते हैं, उस हिसाब से व्हील्स इसमें बने हुए हैं। व्हील्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, व्हील्स का डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें। और इसके साथ पर यहाँ टैग भी आता है, एक यहाँ पर एक टैग भी था, कहाँ गया, ये देखिए आप, ये बटरफ्लाई टैग इसमें दिया हुआ है, यहाँ नेम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस लिखने के लिए यहाँ पर एक नेम टैग भी आता है इसमें, पूरा बटरफ्लाई का और रबर टैग है ये, ये देखिए आप। डिज़ाइनिंग इसका बहुत अच्छा है, नया कॉन्सेप्ट, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और अगर आपके बच्चे के लिए आप पर्सनल यूज़ के लिए भी लेना चाह रहे हैं तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ये अमेरिकन रूस्टर कंपनी का भी है, ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन एकदम नया है। प्रिंट्स आप देखिए इसमें इस टाइप के प्रिंट्स आते हैं, एक ही येलो कलर में है, एक ही वाइट कलर में, जिराफ प्रिंट टाइप ये दिया हुआ है, डिज़ाइनिंग सेम है। और इसमें हर कलर टू कलर प्राइस वेरी करता है हर मॉडल का, मतलब हम आपको बताएं तो 2500 से लेकर 3000 तक की इसकी रेंज होती है, हर मॉडल वाइज इसका प्राइस अलग अलग होता है और कलर वाइज इसका प्राइस थोड़ा सा अलग अलग है। और 3 ईयर की इस पर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आती है। बिल्ड क्वालिटी तो इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है, ये देखिए आप इसका डिज़ाइनिंग बार और आप देख लीजिए, काफ़ी यूजेबल ये प्रोडक्ट है, मतलब हमारे हिसाब से ये आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आप खाली करके सफ़र में आने के बाद भी आपने घर में इसको रख रखा है तो बच्चे इसको आराम से घर में भी चलाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं।